नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं टेक मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप्स के बारे में जो कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आप लोग बहुत अच्छे से ही जानते हैं, टिकटॉक। टिकटॉक और इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ऐप है। और अब इसी ऐप के बारे में गवर्नमेंट एक सख्त कदम उठाने जा रही है, इसे बैन करने के बारे में सोचने वाली है। इस चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। इंडिया में पहले से ही बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो इसे बैन कराने की बात समय समय पर उठाते रहते हैं। इसे बैन करने के लिए बहुत टाइम से बात हो रही है और अभी तक ये ऐप बैन नहीं हुई है। यूजर बेस इसका सबसे अच्छा है, जिसके कारण इसे बैन करना और अब इसे देखते हुए पब्लिक भी यही डिमांड कर रही है कि इसे बैन कर दिया जाए। ये ऐप जितना अच्छा है उतना ही ख़राब भी है। इसे बहुत लोग पैसे कमाने, अपना नाम बनाने में यूज करते हैं और बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है फ्रेंड्स। और ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है टिकटॉक बैन करने का। बात करें तो ट्विटर पे एक दिन में ही 100 करोड़ और मैं जानता हूँ फ्रेंड्स, टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत लोगों का सपना टूट सकता है, बहुत लोगों का पैसा कमाने का जरिया भी ख़त्म हो सकता है। और अब बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है फ्रेंड्स। और वीडियो में बस इतना ही था फ्रेंड्स। और टिकटॉक बैन होने से आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आप कमेंट में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना फ्रेंड्स।